अरे मैं हूं ना, मैं निकाल के लाता हूँ, फटो। तुझे तो तैरना ही नहीं आता, तुझे आता है? नहीं। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे संभाल के, धीरे धीरे धीरे, शाबाश। पानी कम है ये। सुबह में संभल के। आज सुबह से ही यहाँ पे रहो। हाँ उठाओ उठाओ। सुबह से? हाँ सुबह से। तुम लोगों ने ये लाश देखी नहीं थी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं कोई भी नहीं देखा भागते हुए। कोई भी नहीं देखा भागते हुए। सुनो दया, आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें कोई आदमी मिला है जो बोला है कि हाँ मैंने खूनी को देखा है। ये लाश वहां पे पहुंची कैसे? या तो लाश वहां पानी में डुबा के रखी होगी और बाद में लाश ऊपर आई होगी। दया जाके देखो, वहां जरा पानी में जाके देखो, देखो वहां कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ संभल के जाना। बारिश शुरू हो गई, कपड़ों में तो कुछ नहीं है, शरीर पे भी कोई घाव दिख नहीं रहा है। तो फिर सर ये मरा कैसे? क्या मालूम। दूसरी बात, इसके एक पैर में जूता नहीं है। एक पैर में जूता है और दूसरा गायब। जूता किसने निकाल दिया होगा? सर इसकी आंखें एकदम मोटी हो गई, एकदम लाल हो गई। नहीं मिला कुछ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, इसकी बॉडी को फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। ओके सर। देखे ये मरा कैसे। मैट्रिक्स। आराम से। तुम लोग आसपास का सारा जंगल छान मारो, वो जूता ढूंढो। क्या पता वो खोया हुआ जूता मिल ही जाए, शायद इस जूते से ही पता चलेगा कि ये आदमी मरा कैसे है। सर इनके शरीर में हर जगह जहर फैला हुआ है, शायद ये सांप का जहर है। सांप का जहर? यस, ये देखिए इनके गले पे सांप के काटने का निशान लगता है। मगर सांप गले पे कैसे काटेगा? सर इनकी आंखों में भी जहर मिला है, इसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं। ये देखिए सर ये फोटोस, देखिए आंखें अंदर से भी लाल हैं। आंखों में जहर? बड़ा अजीब मामला है। सर इसके पेट में बियर और खाना मिला है। ओ, बियर? तो शायद बियर पी के नशे में यह आदमी जमीन पे लेट गया होगा और तब सांप ने इसे काटा होगा। मैं भी सोच रही हूँ सर, ये कैसा सांप है कि जिसके काटने से जहर आंखों में आ जाता है। हाँ, और इसके पैर का एक जूता भी गायब है।
हाँ, इधर आ। देख क्या पूछा? ये तो है जूता है। हाँ, वही वाला है जो खोया हुआ है। बाइकी का है। मरने वाले के पैर में ऐसे ही जूता था। चल सर को बुला के ला। हाँ सुधाकर, शू मिल गया? हाँ सर। हाँ जरा ब्रश देना। जूता बाहर का बना हुआ है। नौ नंबर का है। ज्यादा पहना हुआ नहीं, शायद पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए रखा हुआ था। ये क्या है? K32। ऐसा स्टिकर मैंने आज तक किसी जूते पे लगा हुआ नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने भी कभी नहीं देखा। इस जूते को इस वाइकी कंपनी की दुकान में लेके चलते हैं। नहीं सर, जूते बनाने वाली कोई भी कंपनी इस तरह के नंबर जूते पर नहीं लगाती। पर ये लगा हुआ है ना, ये दिख रहा है K32। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये बाद में लगाया गया सर। यार तुम लोग दिन रात जूते बेचते हो, कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में। शायद किसी लॉन्ड्री वाले ने लगाया होगा। लॉन्ड्री वाले ने? हाँ। ये जूते कब से लॉन्ड्री में धुलने लगे? सर जूतों की लॉन्ड्री खुल गई है। जूतों की लॉन्ड्री? हाँ, शायद उन्होंने ही लगाया होगा ये नंबर, और ऐसी जगह चिपकाया है जहाँ दूसरों को दिखाई ना दे। अच्छा, तुम्हें मालूम है ऐसे किसी लॉन्ड्री वाले के बारे में? एक मिनट, मैं अपने मालिक को फोन करके पूछता हूँ सर। हाँ पूछो। अभी अभी हमने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत सारे लोग हमसे अपने जूते धुलवाने आते हैं। तो ये देखिए, ये जूता आपके यहाँ धुलता है? ये K32, ये निशान आपके यहाँ का है? K32? जी हाँ, हमारे ही निशान है। ये जूता K32। हाँ जी, ये K32 अनिल कुमार का जूता है जी। ठीक तरह से मालूम है, उन्हीं का जूता है। एकदम कंफर्म जी, ये K32 लिखा है जी। उनका एड्रेस मिल सकता है? कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर है 1-95-195-35-35-17-17। हेलो अनिल जी, हैं घर पे? आप कौन बोल रही हैं? उनकी बहन बोल रही है। अच्छा माफ कीजिए, मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है। आपके भाई की डेथ हो गई। मेरा एक ही सहारा था, ये मेरा भाई। कितना अच्छा इंसान था, किसने कर दिया इसका ये हाल? इसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई है? हाँ भैया, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? ये जंगल में क्यों गए थे? मालूम नहीं, मैं तो इनसे मिलने गई थी, जाकर देखा कि ये घर पे है ही नहीं। इनके कोई दोस्त वगैरह हैं जिसे आप जानती हैं? एक कुबेर जी है, वो इनके अच्छे दोस्त हैं। कहिए क्या बात है, सीआईडी हमारे घर कैसे चली आई? हमें आपके हस्बैंड से मिलना है। हैं कुबेर जी घर में हैं? जी हाँ हैं, कल रात को बहुत देर से घर आए थे। देर से कहाँ गए? जी कुछ बता नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे? क्यों नहीं बता रहे? कह रहे हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए इनके जूतों में कितना कीचड़ लगा हुआ है, मैं तो साफ कर करके थक गई हूँ, बता ही नहीं रहे हैं कि कल कहाँ गए थे। दिखाई जरा, प्लीज बुलाइए उन्हें अंदर से। जाइए जी।
अजय खास कहाँ गया होगा ये? कहिए क्या बात है मिस्टर कुबेर, कल आप कहाँ गए थे? कल नहीं अंकल, कहाँ गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए ना, बस बार बार यही कहे जा रहे हैं। आपको याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों, मैं अचानक सब कुछ भूल सा गया। आप इस जूते को पहचानते हैं? हाँ। ये कीचड़ कहां से लग गया इसमें? ये घास, ये पत्ते, ये कैसे लग गया मेरे जूतों पे? कल आप ये जूते पहनकर कदम्बा के जंगल में गए थे, इसलिए लगा ये कीचड़ आपके जूतों पर। मैं जंगल में क्या था? मैं जंगल में क्यों गया था? मुझे क्या मालूम आप वहां क्यों गए थे। आप किसी अनिल नाम के आदमी को जानते हैं? मेरा अच्छा दोस्त है वो। उसकी लाश मिली है कल कदम्बा के जंगल में से। लाश मिली? हाँ। कैसे मर गया वो? सांप के काटने से। सांप के काटने? अरे अरे संभालो, ये कैसे हो सकता? क्या कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये देखिए, लगता है मुझे भी सांप ने काटा। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, बहुत ही खराब है। जल्दी, इन जूतों में जो खाक लगी है, देखो कदम्बा के जंगल में पाई जाती है क्या नहीं। आप डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका, दो चार दिन में ठीक हो जाओगे तुम। अब सर, इनके जूते में घास पत्ते लगे हुए हैं, इनमें से एक तरह का पत्ता है ये वाला, ये सिर्फ कदम्बा के जंगल में ही पाया जाता है, ऐसा लैब वालों ने कहा है। कदम्बा के जंगल? मतलब आप कदम्बा के जंगल में गए थे? सर अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद शायद रमेश को मालूम होगा। क्यों, रमेश को कैसे मालूम होगा है? और ये रमेश है कौन? मेरा दोस्त है, वो भी कल हमारे साथ था, उसने भी खाना खाया था हमारे साथ। उसका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है, कुछ याद है? 526951 26951 रमेश जी से बात कर सकता हूँ? वो तो घर में नहीं है, कल दोपहर से वापस ही नहीं आए हैं। कहाँ गए थे? वो अपने दोस्त अनिल से मिलने गए थे, पता नहीं क्या हो गया, वापस ही नहीं आए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी, थैंक यू सर। रमेश भी कल से घर वापस नहीं गया है, और वो भी इनके साथ में ही था। कहीं वो भी जंगल में तो नहीं है? अभिजीत, तुम वापस जंगल में जाके देखो और इन्हें भी साथ लेके जाओ। लेके आओ, इधर आइए कबीर साहब, इधर आइए आप। अब जरा याद करने की कोशिश करिए, कल आप यहां इस जंगल में आए थे, हमें यहां से एक लाश मिली है आपके दोस्त की, याद करिए आप। देखिए, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल हम लोग घर पे खाना खा रहे थे, इस जंगल में हम लोग कैसे पहुंच गए? ये बात हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि खाना खाने के बाद आप यहाँ जंगल में कैसे पहुंच गए? आपके जूतों के नीचे से यहाँ की मिट्टी लगी हुई है, समझे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शायद शायद ये सांप के जहर की वजह से हुआ होगा। आ!
क्या बात है? क्या है बात? कर देखा नहीं, नहीं, लाश है। लाश कहाँ पे? थोड़ा दिखा। चलो चलो किस तरह आग भी सुझी हुई। सर, इस आदमी के पेट में भी बियर और खाना है। ये आदमी भी जहर से मरा है सर। देखिए, इसके गर्दन पर भी सांप के काटने का निशान है और आंखें भी वैसे ही सूजी हुई हैं जैसे कि पहले वाले आदमी की थी। सब कुछ वैसा ही है सर, एकदम पहले जैसा। ये तो जादू जैसा हो गया। तीन आदमी एक घर में बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों के तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके दो आदमी मर जाते हैं और तीसरा बच जाता है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उसे कुछ याद नहीं रहता, उसे ये भी याद नहीं कि वो लोग जंगल में पहुंचे कैसे। सर, शायद उस सांप का जहर ऐसा है जिसे कुछ याद नहीं रहता। और एक बात और है सर, तीनों को सांप ने काटा है। एक को काटा मान सकते थे, मगर एक साथ तीनों को काटा, वो लोग भागे क्यों नहीं? एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट है मिस्टर कार्ले, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं वहां पे। वो हमें बताएंगे कि इस सांप के पीछे राज क्या है। वो रहे कार्ले साहब, कार्ले साहब, एसीपी साहब आइए। कार्ले साहब, वो याददाश्त वाली क्या बात है? देखिए सर, जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई जहर नहीं होता जिससे याददाश्त चली जाए। सांप के काटने से आदमी मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ याद ही ना रहे। और दूसरी बात ये है कार्ले साहब कि सांप ने सबको यहाँ पे काटा है, यहाँ पे गले पे, कॉलर के नीचे। सांप यहाँ पे कैसे काट सकता है? सांप ने काटा गले में और जहर आंख में पहुंच गया, ये कैसे हो गया? देखिए सर, एक सांप होता है जिसका नाम है स्पिटिंग कोबरा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसके दांतों में दो छेद होते हैं जिससे वो जहर फेंकता है। मतलब बिना काटे दूर से जहर फेंक सकता है? दूर से 7-8 फीट से तो आसानी से फेंक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों में फेंकता है, सीधा आंखों में, और उसका निशाना, उसका एम कभी फेल नहीं जाता। आंखों में से जहर अगर जल्दी धोया नहीं गया तो आदमी अंधा हो जाता। मगर दोनों की आंखों में कैसे गया? इस सांप में इतना जहर होता है कि एक साथ 5-6 बार जहर की पिचकारी मार सकता है। एक स्पिटिंग कोबरा तो आप लोग देख चुके हैं जिसने अभिजीत की आंखों में जहर फेंका था। यह है दूसरा स्पिटिंग कोबरा, यह भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन यह जहर को पिचकारी की तरह नहीं मारता, यूं फेंक देता है, या यूं कहिए कि थूक देता है। इसके गले के नीचे एक सफेद पट्टा होता है, ये देख रहे हैं आप। अटैक करने के पहले यह जमीन से 1.5-2 फीट ऊपर खड़ा हो जाता है। सर, डॉक्टर ने जल्दी से धो दिया तो बच गया। मुझे ऐसा लगा सर जैसे किसी ने गरम गरम लोहे की रॉड मेरी आंखों में डाल दी। इतनी जली आंखें कि पता नहीं सकता सर। अगर आंखें ना धोते तो शायद मौत हो जाती है। नहीं, मौत तो नहीं होती, पर आप अंधे हो जाते। तो वो दो लोग जो मरे हैं वो आंखों में जहर जाने से नहीं मरे? नहीं नहीं, ये सांप काटता भी है। वो जो गर्दन में काटा है उसकी वजह से वो लोग मरे। इसका मतलब सांप ने पहले जहर फेंका और उसके बाद काटा भी? करेक्ट।
मगर सर दोनों आदमियों के साथ एक ही बात कैसे हो सकती है? जहर फेंका भी और काटा भी। देखिए सर, सांप के पास क्या कोई दूसरा काम नहीं है जो हमेशा काटता रहे या जहर फेंकता रहे? देखिए सांप तभी काटता है जब उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है, नहीं तो भाग जाता है एक आदमी को काटकर। मगर ये अफ्रीका का सांप यहाँ इंडिया में कैसे आ गया? कुछ लोग जानवरों की स्मगलिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर हम जानवरों को वापस जंगल में छोड़ देते हैं, इसी तरह आ गया। हाँ डॉक्टर वागले। अच्छा अच्छा, तो वो लोग सांप के काटने से नहीं मरे, किसी ने मार दिया है? इसका मतलब ये खून है ना? हाँ, दोनों आदमियों का खून हुआ है। मगर सांप के काटने का निशान तो है ना दोनों के गले में? हाँ सर निशान है, लेकिन मौत उससे नहीं हुई है। तो किसी ने आंखों में जहर डाल के मारा है, आंखें सूजी हुई हैं? नहीं सर, आंख में जहर से भी नहीं मरे हैं। तो फिर मर्डर हुआ कैसे? जहर के इंजेक्शन से। मगर बॉडी पे आपको कहीं पे भी इंजेक्शन लगाने का कोई निशान नहीं मिला है? इंजेक्शन वहीं पे लगाया है जहां पर काटने का निशान है। ये देखिए, ये सर देखिए, बीच में छोटा सा निशान है ना? हाँ है तो सही। सर मैंने जब इन निशानों को ध्यान से देखा तो पता चला ये जलने के निशान है। किसी ने दोनों आदमियों को लेजर गन से मारा जिससे दोनों बेहोश हो गए और फिर जहर का इंजेक्शन लगाया है ना? जी सर। और ये आंख में जहर, ये कहां से आया? वो तो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बाद में डाला गया आंख में, जिससे कि लोगों को लगे कि सांप ने काटा है। पर कुबेर कैसे बच गया? उसके गले पे भी तो ये निशान लगे हुए हैं, उसे कुछ नहीं हुआ, खूनी ने उसे क्यों छोड़ दिया? सर ये सारा चक्कर उसी का है। कुबेर को बुलाओ। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे दोनों दोस्तों का क्या हाल हो गया है? देखो, नहीं, प्लीज, मुझे मत दिखाइए फोटोस। देखो दोनों की आंखें कैसे सूज की बूटी हो गई हैं। देखो मेरी आंखों में, देखो नहीं प्लीज, मेरी आंखें भी ऐसे सूज के लाल होने वाली थी, देखा कितनी लाल लाल है। प्लीज आप इन्हें ज्यादा तंग मत कीजिए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं तो आप जवाब दीजिए। देखो तुम्हें देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम तीन लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हो और उनमें से दो आदमी तो जंगल में जाके मर जाते हैं और तुम अपने घर पहुंच जाते हो, हैं? ये कैसे हो गया? मैं मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे जूतों में मिट्टी लगी हुई है उसी जंगल की, मतलब तुम भी वहां जंगल में गए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। अच्छा बताओ बताओ तुमने खाना कहाँ पे खाया था? हाँ कहाँ पे खाया था खाना? खाया था मैंने खाना। मुझे क्या मालूम, खाना आपने खाया था और आप पूछ मुझसे रहे। देखिए आप इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देते? तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं सच ही बोल रहा हूं। खाना कहां पे खाया था? खाना एक आग थी वहां पे। आग? आग थी बीच में। बीच में? बीच में एक आग बनी हुई थी। साफ साफ बताओ कहां पे है ये आग? एक बड़ी सी पेंटिंग है उसके बीच में है ये आग। अरे ये पेंटिंग तो अनिल के फ्लैट में है। अनिल के फ्लैट में? मतलब तुमने खाना अनिल के घर में खाया? उसके घर में और कोई है? नहीं उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। ओ, चलो अनिल के घर चलते हैं। अभिजीत दया तुम लोग जंगल में जाके रेंजर से बात करो, पता लगाओ कि सांप का जहर कहां मिलता है। देखिए सर यही है वो पेंटिंग जिसके बीच में एक आंख है। कुबेर क्या यही है वो पेंटिंग? हाँ यही है वो पेंटिंग। हाँ यही वो पेंटिंग है। तो इसका मतलब है तुम लोग यहां पे थे, ये बचा हुआ खाना, ये बिखरी हुई खाने की प्लेटें यहां पे थे, यहां पे।
तुम लोग यहीं पे थे ना? यहीं पे? मैंने हाँ मैंने कुछ गरम गरम खाया था जिससे मेरी जीभ जल गई थी। तुमने तुमने क्या पिया था? फिर मैंने भी बियर पी थी। तभी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? कुबेर तू कहाँ बैठे थे? यहाँ पे या यहाँ पे हाँ या यहाँ पे? मैं यहाँ बैठा था। यहाँ तुम यहाँ बैठे थे? हाँ। फ्लैट का दरवाजा इस तरफ है और तुम तुम्हारा मुंह इस तरफ है, इस तरफ। सांप का जहर इंजेक्शन से देके मारा। बड़ा अजीब तरीका है ये खून करने का। पहले उन आदमियों को बेहोश किया लेजर गन से और उसके बाद उनकी आंखों में भी सांप का जहर डाल दिया और बाद में उन लाशों को यहाँ जंगल में लाके डाल दिया। लाश को गाड़ी से लाए होंगे? हाँ। अच्छा आपके पास जंगल के गेट पे एक रजिस्टर होता है ना? हाँ होता। जिसमें जंगल के अंदर जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब का नंबर लिखा होता है? हाँ वो रजिस्टर भी मैं आपको भिजवा देता हूँ। और दूसरी बात, अगर किसी को सांप का जहर चाहिए कहाँ से मिलता है? सांप के मुंह में से? वो हमें भी मालूम, उसके अलावा कहाँ मिल सकता है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सांपों के ऊपर रिसर्च होती है। वहाँ सांप के जहर से सांपों के जहर को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसे एंटीडॉट फॉर वेनम कहते हैं। वो जो सांप किसी को काट लेता है उसको बचाने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वही वाली दवाई? जी हाँ, आप इंस्टीट्यूट में जाकर इंक्वायरी कीजिए। फिर अचानक एक आवाज आई, टिंग टोंग। टिंग टोंग? हाँ, जैसे दरवाजे की डोरबेल की आवाज होती है ना वैसी। तो दरवाजे से ही आई होगी है ना? पता नहीं, मेरा मुंह तो इस तरफ था ना। चलो देख लेते हैं। यही आवाज थी? यही आवाज? तो इसका मतलब है जब तुम लोग खाना खा रहे थे तो किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अच्छा दरवाजा किसने खोला तुम्हें कुछ याद है? शायद रमेश उठाता दरवाजा खोलने, शायद रमेश ने दरवाजा खोला। जब रमेश दरवाजा खोलने के लिए गया तब अनिल कहां पे था? अनिल? हाँ अनिल, शायद अनिल। हाँ अनिल बाथरूम में गया था। हुआ क्या है यहां पे? लगता है कुछ हाथापाई हुई है, कुछ स्ट्रगल हुआ है। तुम्हें कुछ याद है? नहीं कुछ नहीं। ये क्या है? प्रेडिक्स? यस सर। जरा बर्ज देना था। ये शैंपू नहीं कुछ और ही है। सुधाकर सर, ये जमीन पे जो गिरा हुआ है उसे उठा लो। और फ्रेडरिक्स, दरवाजे के बाहर जो घंटी लगी हुई है उसके ऊपर से उंगली के निशान उठा लो। ये अनिल का घर है, बाथरूम यहां पे है और अनिल बाथरूम में था। कुबेर यहां बैठा था इस तरफ मुंह करके, इस तरफ, और दरवाजा कुबेर के पीछे था, पीछे। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रमेश ने दरवाजा खोला। अब दरवाजे पे कोई था, उसने लेजर गन से रमेश को बेहोश किया, फिर उसने कुबेर को बेहोश किया और फिर वो भागते बाथरूम में आया। बाथरूम में अनिल के साथ उसकी लड़ाई हुई मगर अनिल भी हार गया। बाद में अनिल और रमेश को इस आदमी ने सांप का जहर दे मार दिया। मगर सर कुबेर बच गया, वो सिर्फ बेहोश हुआ। मारने वाले ने कुबेर को क्यों छोड़ दिया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर। एक बात और है सर कि जब रमेश बेहोश होकर जमीन पे गिरा होगा तो धड़ाम से आवाज आई होगी, तभी कुबेर ने पीछे मुड़के जरूर देखा होगा कि खूनी कौन है।
हेलो सीआईडी ब्यूरो है मैं जब बाजार से घर वापस आई तो देखा कि ये यहाँ मरे पड़े हैं। मुझे सब कुछ याद है, मैंने ही रमेश और अनिल को मारा है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं पकड़ा ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। आशा है मेरी पत्नी मुझे माफ करे। जब से ये अनिल के घर से आए थे तब से इनका मूड बहुत खराब था। सर ये गन चेक कर सकते हैं? और इनके फिंगरप्रिंट्स भी। इतनी ड्रामेबाजी कर रहा था कि कुछ याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अब अचानक सब कैसे याद आ गया? उसे सब याद था सर, उसे पहले से सब कुछ याद था। देखो अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो मानना पड़ेगा कि वो एक जबरदस्त एक्टर था। उसने ऐसी एक्टिंग करी है कि नसीरुद्दीन शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। तुमने देखी नसीर साहब की एक्टिंग? हाँ, थोड़ी बहुत देखी है सर। जबरदस्त एक्टर, जबरदस्त एक्टर। खैर मैं कह रहा था कि अगर कुबेर ने उन दोनों आदमियों को मारा है तो उन दोनों लाशों को जंगल में ले जाके फेंकना एक आदमी के बस की बात नहीं है। नो मतलब सर कोई और आदमी भी मिला हुआ है? हाँ, एक और आदमी भी है जिसे हमें पकड़ना है। ओके सर, अनिल के बाथरूम में से हल्के पीले रंग का जो लिक्विड मिला था वो सांप का जहर है। सुमित जी हमें पता चला है कि आपके यहाँ जहर पर रिसर्च। जी बिल्कुल ठीक। और हमें यह भी पता चला है कि आपके यहाँ सांप का जहर भी आता है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए सर, सांपों का सारा जहर पहले सांपों के इंस्टीट्यूट में निकाला जाता है और वहां से 5-6 जगह भेजा जाता है जिनमें से एक हम। अभी पिछले हफ्ते आपके पास सांप का जहर आया था? हाँ। कहाँ है वो? वो तो थोड़ा सा आया था, बस 10 ग्राम। नहीं वो जहर है कहाँ? वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, 3 एक्सपेरिमेंट किए और सारा खत्म हो गया। वैसे मैं इंस्टीट्यूट फोन करने ही वाला था और भेजने के लिए। आप फोन रखिए प्लीज। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों? आपके हाथों की उंगलियों के निशान लेने के लिए। चलिए प्लीज अपना हाथ इस ग्लास के ऊपर लगाइए, आहिस्ता से। ग्लास के ऊपर हाथ रखिए प्लीज। क्या होगा? कुछ नहीं, आपकी उंगलियों के निशान इस कंप्यूटर में आ जाएंगे। आप मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? ये इन्वेस्टिगेशन है समझे? 3 लोग मारे जा चुके हैं, मामला बहुत सीरियस है, चुपचाप हाथ रखो। अरे अगर मेरे हाथ के निशान मैच नहीं हुए तब? तब क्या होगा? तब और अगर मैच हो गए तो? तब क्या होगा? चलिए रखो हाथ। आप जा सकते हैं। अनिल के घर की डोरबेल के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो आपके लिए। सर कुबेर के घाव में से निकले खून को जब मैंने टेस्ट करके देखा तो उसमें नींद की दवाई मिली, तो मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई कि हो ना हो जब कुबेर को गोली लगी शायद वो होश में नहीं था। मगर गोली उसी गन में से चली थी ना जो इसके हाथ में थी? हाँ उसी में से चली है और गन कुबेर के हाथ में ही थी। एक बेहोश आदमी कैसे गन चला सकता है? चला सकता है सर, ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये कुबेर का हाथ है। अब कुबेर की उंगली के ऊपर उंगली रखकर किसी ने ट्रिगर दबाया है, ऐसे। ये हवा में तीर चला रही हो या? नहीं सर, ये हवा में तीर नहीं है सर, जमीन पर है और एकदम टारगेट पे है। जरा कुबेर की उंगली देखिए आप, देखिए देखा सर, फिंगरप्रिंट है,
खूनी की उंगली का निशान। शाबाश डॉक्टर वागले, वेरी गुड वर्क। एंड सर, नॉट ओनली दैट, ये उंगली का निशान अनिल के घर के डोरबेल पर लगी उंगली के निशान से एकदम मिलता है सर, सेम डिट्टो। ये है कुबेर की उंगली का निशान, ये है डोरबेल पर मिला उंगली का निशान, सेम है सर। मतलब जो आदमी अनिल के घर में आया और जिसने अनिल और रमेश को मारा, उसी ने कुबेर को भी मारा। यस। आप, अब क्या काम था? माफ कीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान दिख रही हैं। जी, वो मेरा तो घर ही उजड़ गया। अब तो दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या करूं। वैसे घर में अभी कोई और भी है? घर में? जी नहीं, घर में तो कोई भी नहीं है। जा, सर, अंदर जाके देखो, देखो कोई और भी है क्या। मतलब मेरे घर में? रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। जाने दीजिए उन्हें। मैडम प्लीज। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मैडम प्लीज हटिए। जाने दीजिए। एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, आप लोग अब तक ये तो पता नहीं लगा पाए कि उनकी मौत कैसे हुई। तुम क्या कर रहे हो? निकलो। शेर को किसी ने मारा? मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ। चलो आ रहा हूँ। चलो व्हाट अ सरप्राइज। ये क्या बदतमीजी है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। व्हाट नॉनसेंस। तो फिर तुम इस घर में कर क्या रहे हो? हाँ, क्यों इस घर में आना कोई गुनाह है क्या? मेरा और इनका अफेयर चल रहा है, मैं इनके बिना रह नहीं सकता। अनिल और रमेश को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो मेरे पति को बताने वाले थे। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मुझे छोड़ देते और फिर ये घर, ये पैसा, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता। मैंने इनसे कहा कि हम अनिल और रमेश को मार देते, अगर वो मरी जाएंगे तो बताएंगे कैसे। मगर कुबेर जब सीआईडी ब्यूरो से वापस आया तो उसे सब याद आ गया। इनसे 50 बातें पूछने लगा, इसलिए उसे भी मार डाला। हम तो आप लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा नहीं सकते, मगर आप लोगों को फांसी की सजा होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।